सत साहेब। तथागत बुद्ध के अनुसार नाम व रूप की आसक्ति हमारी नहीं होनी चाहिए, यानी आध्यात्मिक या धम्म के मार्ग में नाम और रूप की आसक्ति नहीं होनी चाहिए एक बुद्धत्व की प्राप्ति करने वाले बोधिसत्व की। यानी नाम की आसक्ति प्लस रूप की आसक्ति मूर्ति पूजा को दर्शाती है। यानी मूर्ति का मतलब है कि एक मूर्ति का नाम होता है, एक विशेष नाम होता है, और आपकी आसक्ति एक विशेष नाम में है तो वह नाम की आसक्ति होती है। और मूर्ति का जो रूप है, यदि आपकी आसक्ति एक मूर्ति के रूप में ही निश्चित है तो वह रूप की आसक्ति होती है। तो नाम की आसक्ति प्लस रूप की आसक्ति बराबर मूर्ति पूजा को दर्शाती है। जहाँ यह आसक्ति होती है वहाँ धम्म का मार्ग तथागत बुद्ध ने नहीं बताया है। तो जैसे हम तथागत आजकल जो है समाज में फैला तथागत गौतम बुद्ध जी का नाम लेना ही अच्छा समझते हैं। यदि आपके सामने कोई दूसरे धर्म के अनुयायी या उनके संस्थापकों का नाम लिया जाए तो हमारे मन में एक तरह से ईर्ष्या पैदा हो जाती है। तो ये क्या है, ये नाम की आसक्ति है। या कोई दूसरा तथागत बुद्ध जी का जो रूप है उसके अलावा आपके सामने कोई दूसरे रूप का वर्णन किया जाए तो उसके प्रति जो ईर्ष्या भावना हमारे मन में आ जाती है वह क्या है, वह रूप की आसक्ति है। तो तथागत बुद्ध जी की मूर्ति में ही आसक्ति होना वह उनके रूप में ही आसक्ति होना धम्म का मार्ग नहीं है। और धम्म का मार्ग है सम्यक दृष्टि वाला, यानी समान दृष्टि आपकी होनी चाहिए सभी में। और यह ध्यान साधना से होता हुआ जाता है, यानी सम्यक दृष्टि ऐसे तो आती नहीं। जब आप गहन समाधि ध्यान साधना के द्वारा प्रज्ञा जागृत होती है ज्ञान गहन समाधि में, तभी सम्यक दृष्टि होती है। सम्यक दृष्टि में अपने और पराये का भाव खत्म हो जाता है, निश्चित हो जाता है, और यही अष्टांगिक मार्ग होता है, यही धम्म का मार्ग है। हमारे बुद्ध के नाम व रूप में ही आसक्ति है तो यह तरीका तथागत गौतम बुद्ध जी के अनुसार गलत है, धम्म का मार्ग नहीं है। आप बुद्ध में आसक्ति रखते हैं, हिंदू लोग या और दूसरे धर्म के लोग राम कृष्ण देवी में आसक्ति रखते हैं, तरीका एक ही है दोनों का। यानी यहाँ पर कोई भी सम्यक दृष्टि का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। देखने वाला मनुष्य नाम व रूप को देखता है, देखकर उन्हीं को मान लेता है, वह भले ही बहुत ज़्यादा है या कम है, कम देखे। कुशल जन इसी से शुद्धि नहीं बताते हैं, यानी कुशल जन इसी में शुद्धि नहीं बताते, सत्य नहीं है। जो बुद्धत्व की प्राप्ति करता है वह व्यक्ति से शुद्ध व्यवहार या धर्म का मार्ग नहीं बताता है। जो किसी वाद में आसक्त है वह शुद्धि को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वह किसी दृष्टि को मानता है, यानी स्थिर एक जगह उसकी आसक्ति है। मनुष्य जिसमें आसक्त है उसी को शुभ बताता है कि यही सच्चाई है, और जिसे शुद्धि बताता है उसे सत्य वह मानता है। यह वर्णन सूत निपात में बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है सूत निपात, उसमें समझाया गया। सूत निपात के पेज नंबर 189 और 197 पर पूरी व्याख्या नाम और रूप की आसक्ति की गई है। बोधिसत्व की आसक्ति, यानी जो बुद्ध धम्म के मार्ग पर चलना शुरू किया है उसे बोधिसत्व कहते हैं। बोधिसत्व की आसक्ति रूप व नाम में नहीं होनी चाहिए, तभी वह बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है, यानी प्रज्ञा को जागृत कर सकता है, गहन समाधि में जा सकता है। यह प्रज्ञा जागृत होती है तो आसक्ति मिट जाती है। यहाँ पर आध्यात्मिक शिष्य के लिए भी समझाया है, यदि शिष्य की आसक्ति नाम में है, जैसे संबोधन में, या नमो बुद्धाय जय भीम, यानी एक हमारा बुद्ध धर्म का जो संबोधन मंत्र है नमो बुद्धाय जय भीम, ही करना पसंद करते हैं। यानी बौद्ध धर्म के सभी अनुयायी यही कहना व सुनना पसंद करते हैं। अगर आपके सामने राम कहा जाए या और दूसरे शब्द दूसरे धर्मों के शब्दों से संबोधित किया जाए तो आप चिढ़ जाएंगे।
इससे पता चलता है कि आपकी आसक्ति नाम में है और प्रगाढ़ है, यानी इधर उधर नहीं, बहुत गहरी जड़ है। अब रूप में आसक्ति का मतलब है कि आपने केवल बुद्ध की मूर्ति को अपने मन में बसा लिया है कि बुद्ध ही मेरे लिए अहम व महत्वपूर्ण है, भगवान है, सर्वे सर्वा है। अब आपके सामने राम कृष्ण के रूप का बखान करा जाए, यानी कोई दूसरा व्यक्ति आकर के ये राम कृष्ण का बखान कर दे, तो आप चिढ़ जाएंगे, यानी मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाएगी। तो साफ हो जाता है कि आपकी आसक्ति बुद्ध के रूप में व नाम में है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आपकी सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, यानी एक समान सभी नामों व रूपों को एक जैसा ही समझो, आपकी एक समान दृष्टि होनी चाहिए, या जिसे आप मानते हैं उसी उसको सभी दूसरी वस्तुओं, नाम व जीवों में देखें, उसी एक को देखें तो आपकी सम्यक दृष्टि है, अन्यथा नहीं है। यदि हम भगवान बुद्ध के यानी बौद्ध धर्म को मानते हैं और हमारी इस तरह की सम्यक दृष्टि नहीं है, तो हम बुद्ध जी के अनुसार बौद्ध धर्म के सच्चे अनुयायी नहीं है। जिस भिक्षु, उपासक, आध्यात्मिक व्यक्ति की या सन्यासी की आसक्ति केवल नाम व रूप में होती है उपरोक्तानुसार, तो वह भिक्षु संत सन्यासी गृहस्थी के ठीक समान होता है, क्योंकि गृहस्थी भिक्षु व संत या सन्यासी से अलग इसलिए है कि वह अपनी बीबी व बच्चों में नाम व रूप से आसक्ति, लगाव व मोह होता है गृहस्थ में, और सन्यासी में यह लगाव व मोह होता नहीं है, यानी अपने और पराये का भाव वहाँ नहीं होता है। तभी तो भिक्षु व संत में सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, वह होती भी है। संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी ने भी कहा, जहाँ जहाँ जाऊँ तहाँ तहाँ तेरी सेवा, यानी कहना चाहते हैं कि मैं जहाँ जहाँ भी जाता हूँ, अर्थात मंदिर, मस्जिद, चर्च, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों में जहाँ भी जाता हूँ, हे मेरे मालिक, आप ही आप दिखाई देते हो, दूसरा कोई दिखाई नहीं देता, और इसी प्रकार से आपको उनमें जानकर उनकी सेवा करता हूँ। ऐसा वास्तव में बुद्ध जी, तथागत बुद्ध जी वह संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी स्वयं करते थे, यानी उनका प्रैक्टिकल था, दैनिक कार्य, यानी प्रतिदिन उनका मन के भाव ऐसे ही थे। वहाँ कोई भी आ जाए, उनकी कुटिया पर कोई भी आ जाता था, उनका सम्मान समान रूप भावना से करते थे, अपना और पराया का भाव नहीं रखते थे। चलिए हम तथागत बुद्ध जी के अनुसार व संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी के अनुसार, जो बौद्ध धर्म का एक जो सच्चाई का मार्ग है, ध्यान साधना, और ध्यान साधना करके सम्यक दृष्टि लाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं, निर्वाण प्राप्त करें। सतनाम सत साहिब।